desire that's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. हेलो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप अपने पावर डेक टाइम में क्रोमा की इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे कई दोस्तों ने बताया कि उनके फ़ोन में क्रोमा की ऑप्शन नहीं आ रहा है। जो नया अपडेट वर्जन है उसमें क्रोमा की ऑप्शन आता है, मगर वीडियो लेयर का नहीं आता है। तो वो कैसे आ सकता है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। मेरा नाम मुजम्मिल, आप देख रहे हैं हाई टेक। चलिए स्टार्ट रोल देन इंट्रो। दोस्तों, उसके लिए आपको पावर एडाप्टर बंडल चाहिए। उसका इस्तेमाल में पावर एडाप्टर को सेटअप कैसे करते हैं वो मैंने एक वीडियो में बता रखा है। उसका लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। और अगर आपका इसका मतलब एक्टिव कोड नहीं पता है तो उसका भी लिंक मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो वहां से देख सकते हैं। पहले आप कर लीजिए एक मतलब इसे ओपन। ये ओपन हो रहा है, हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, टैब ओके। अब हमें किस चीज़ में क्रोमा इफेक्ट चाहिए, जैसे कि आप इसी वीडियो को लीजिए। ये मेरी ऐसी एक वीडियो है, इसी में मैं क्रोमा की इफेक्ट डाल के दिखा दूँगा। पहले मैं दिखा देता हूँ मेरे में वीडियो लेयर का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ से वीडियो लेयर का ऑप्शन आता है, तो दिखा देता हूँ। यहाँ पर वीडियो दिखाता आ रहा है, मगर आप देख क्लिक करेंगे तो उस पर देखेंगे। यू डिवाइस डज नॉट सपोर्ट PIP वीडियो टू, चेक योर डिवाइस गो टू। मतलब ऐसा दिखा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी एक ऐसी वीडियो मतलब मैंने कुछ बता रखा है, तो इसकी आवाज़ कर देते हैं मैं बंदी डाउन। और अपने पावर एडाप्टर प्रो को खोल लेता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। देख सकते हैं कुछ ऐसे दिखता है, और इस पर क्लिक करना है और उसी प्रोजेक्ट को चुन लेना है जिस पर हमने क्लिक करा था एडिट। और जिस यहाँ से आपको क्रोमा की इफेक्ट डालना है, जैसे कि मैं यहीं से कर लेता हूँ। यहाँ पे वीडियो लेयर ये रहा, और यहाँ पे वीडियो, और ये सपोर्ट हो चुका है। अब जैसे कि मैं बहुत सारे इफेक्ट डाल के दिखा देता हूँ, और ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला हटा देता हूँ। और इसे स्क्रीन साइज के हिसाब से कर लेता हूँ बड़ा। ये हो गया, ये सेट हो चुका है। और अब इसे हमें खोलना है अपने पावर एडाप्टर बंडल में, जो हमने पहले से ही रिसेंट में रख रखा है। ये रहा पावर एडाप्टर बंडल, से करना है ओके। और ये खुल रहा है, ये देख सकते हैं वही प्रोजेक्ट आ चुका है क्रोमा की। यहाँ पर एडिट का ऑप्शन करेंगे तो क्रोमा की कार रहा है। यहाँ से कई लोगों को समझ नहीं आता है, तो वीडियो में सही से समझाता हूँ आपको। जब भी इस पर टैप करेंगे तो ये वो बना जाएगा। आपको जहाँ पर क्रोमा की इफेक्ट चाहिए वहीं पे इसे रख देना है, और इस पर दोबारा क्लिक करना है। देखते हैं क्रोमा की इफेक्ट आ गया है, और अब देखते हैं इसमें ये क्रोमा की वर्किंग कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो में था इतना सा, और बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो नेक्स्ट किसके ऊपर बनाना है वो भी बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।